एक आदमी ने लोकसभा में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 370 पर बोला, क्यों नहीं बोला दूसरे एमपीज ने, दूसरी पार्टी उनके लोकसभा में मेंबर थे दो, क्यों नहीं बोला? उठ के खड़े ही हो जाते अगर तकरीर करने की हिम्मत नहीं थी, विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। वो बीजेपी वाले हैं कि मैं बीजेपी वाला हूं, कांग्रेस हमारी वजह से। और अगर बुरा ना लगे उनको कि दिल्ली की कांग्रेस भी मैं ही जीता के देता था हिंदुस्तान, बीजेपी वाले वो, मैं बीजेपी की हुकूमत में मिनिस्टर नहीं था, वो थे। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब और पीडीपी ने लाया, कांग्रेस ने यहां कभी दूसरा लीडर जो सीटें लाई मैंने लाई कोई लीडर दिल्ली से प्रचार करने के लिए। आज वो तीनों हो गए हैं चोर चोर मसेरे भाई, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। वो तो वोट कटु है भाई, उनका एनसी का कितने 40 साल पहले उनके एमएलए थे, उनका डोडा में कौन एमएलए कब था, उनका भद्रवा में कहां एमएलए, उनका इंद्रवाल में कहां एमएलए, उनका बानहाल में कहां एमएलए, उनका रामबन में कहां एमएलए। वो आज इकट्ठे कांग्रेस एनसीपी पीडीपी चुनाव वैली में बीजेपी को जिताने के लिए हमारा मुकाबला कर रहे हैं। आज अगर 2-3 सीटें जीतेंगे, क्योंकि वहां कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन जो जो यहां रीजनल पार्टियां हैं जिन पे उन्होंने कब्जा कर दिया है वो मैंने जिता के कांग्रेस को दी थी, फिर मैंने कांग्रेस आज तक बनाई। उनको लगता है कि ये गया नहीं तो अब कांग्रेस का नामो निशान जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा, इसलिए वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाँ से हाँ मिलाने लगे। एनसी वाले कहें क्योंकि उनको मुझे वो सोच रहे थे गुलाम नबी आजाद दिल्ली में 40 साल तो हम राज करते हैं, तीसरी जनरेशन भी हाँ चौथी की भी तैयारी थी, ये बीच में कहाँ आ गया, अब ये हमारा पर काटेगा, इसलिए उन्होंने अफवाहें शुरू कर दी। तो जाहिर है उन्होंने कहना तो आप कहां बीच में आ गए, कांग्रेस ने कहना है कि कांग्रेस तो 50 साल से मैं ही था, मुझसे पहले मुफ्ती साहब थे कांग्रेस, वो भाग गए,